नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, बारिश का मौसम चल रहा है और बहुत सारे नए पौधे तैयार करने के लिए परफेक्ट टाइम होता है। तो हम जो नए पौधे तैयार करते हैं वो बहुत मेथड से करते हैं, सीड से भी तैयार करते हैं, कटिंग से भी तैयार करते हैं और इसके अलावा एयर लेडिंग से भी तैयार करते हैं। डिफरेंट टाइप की मेथड्स होती है, उनमें से एक मेथड होता है डिवाइडेशन, यानी कि प्लांट्स को इतना मतलब बहुत सारे बेबी प्लांट वो तैयार करता है, उसमें से साइड से प्लांट निकाल के एक नया प्लांट तैयार करना, एक उसको नया गमला देना, तो उससे एक नया पौधा तैयार हो जाता है, उस तो उसको कहते हैं डिवाइडेशन। तो इस मेथड से बहुत सारे प्लांट तैयार होते हैं। तो मैंने जो बताऊंगी आज आपको कि 21 से ज़्यादा ऐसे पौधे होते हैं जिनको आसानी से आप जो है डिवाइड करके नए पौधे इस सीजन में बना सकते हैं। वैसे तो इस मेथड का दोस्तों यूज बहुत सारे सीजन में आप कर सकते हैं, पर ये जो सीजन होता है इस समय परफेक्ट होता है, क्योंकि पौधों की ग्रोथ ज़्यादा होती है, बहुत सारे बेबी प्लांट तैयार हो जाते हैं, तो इस समय डिवाइड करके आप नया प्लांट बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें सबसे पहला प्लांट दोस्तों इस समय डिवाइड करके तैयार कर सकते हैं आप फर्न का है। तो मैं आपको जो दिखा रही हूँ, कल ही मैंने रात शाम के समय जो है ये काम किया है, तो एक प्लांट से तीन प्लांट तैयार कर दिए हैं। तो देखिए, मैंने हैंगिंग बास्केट के लिए तैयार कर रखे हैं ये प्लांट, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए, मेरा मदर प्लांट इतना ज़्यादा बढ़ चुका था क्योंकि भीषण गर्मी में तो इसके पत्ते खराब हो गए थे, पर जैसे ही बारिश आई तो इसको मौसम बहुत पसंद होता है और ये खूब तेज़ी से डिवाइड होते हैं। एक प्लांट ये बनाया, एक हैंगिंग बास्केट भी देखिए मैंने ये तैयार करी एक ही मदर प्लांट से, और एक ये जो इसी में लगा था, इस पॉट में लगा था ये मेरा प्लांट, इससे मैंने तीन प्लांट ये तैयार कर दिए और एक को मैंने पानी में लगा दिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये फर्न, इतने ज़्यादा प्लांट तैयार हो चुके एक ही प्लांट से। और कभी मैं इसका एक छोटा सा प्लांट जो है नर्सरी से मांग के लाई थी, तो मैंने जो काम किया वो वाली बात थी कि फर्न में इस तरह से बहुत सारे प्लांट तैयार हो रहे हैं, मैं उनके एक एक करके नाम बताती हूँ। सेकंड, आप अपने पीस लिली में भी काम कर सकते हैं दोस्तों। पीस लिली के प्लांट को भी देखिए खूब सारे डिवाइड हो जाते हैं, इस समय बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। इनको नए नए गमले साइड से एक एक प्लांट निकाल के इनके आप जो है नए गमले बनाकर नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसी तरह देखिए दोस्तों, बोट लिली ये कितना सुंदर लगता है, कोई केयर विशेष केयर नहीं चार मांगता, कैसी भी मिट्टी में लग जाते हैं। देखिए इतने सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं, इनको भी साइड से निकाल कर आप नया प्लांट बना सकते हैं। औषधि पौधे भी लगाना चाहिए दोस्तों। तो लेमन ग्रास जो है बहुत ज़्यादा ही फैलती है, इस समय कहीं से ही मिल जाती है, तो इस समय लेमन ग्रास से साइड से एक प्लांट निकाल के आप बना सकते हैं। वैसे मैं जो जिस समय लाई थी, जब ये चीज़ें जिसके पास नहीं होती बहुत वैल्यू होती है, तो मैं इसको पंतनगर से जो है एक इसका पौधा घर के लाई थी, तो अब इतना हो गया कि मैं काफ़ी लोगों को बांटती हूँ। मैंने आपको बताया फर्न की वैरायटी बहुत अच्छी इस तरह डिवाइड होती है। देखिए, इसे कहते हैं फॉक्सटेल फर्न, इसमें फ्लावर भी आते हैं, देखिए कितने सुंदर फ्लावर, और ये हैंगिंग बास्केट में बन चुका है। तो एक प्लांट से डिवाइड करके इस समय इसके नए प्लांट बन जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों एस्फोग्रस फर्न, ये प्लांट जो है इस समय इनको डिवाइड करके बना आप नए प्लांट बना लीजिए। सर्दियों में क्या होता है कि इन प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती, तो उस समय ये प्लांट जो है डिवाइड करने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें नहीं आते। इसी तरह से स्पाइडर प्लांट दोस्तों, स्पाइडर प्लांट का तो समय ही होता है, इसको तो बहुत इस समय पढ़ते हैं, तो इसमें दो प्लांट तैयार हो रहे हैं और कल शाम को मैंने इसमें से एक प्लांट अलग करके ये बना दिया है। इनको जो है साइड से इसमें रूट्स भी आती हैं, तो इसलिए प्लांट बहुत जल्दी चल जाते हैं। इस समय सीधी धूप में ना रखे, बारिश हो रही हो, रिमझिम बारिश होती है, तो उसमें ये प्लांट बहुत अच्छे चल जाते हैं, हम जो डिवाइड करके नया प्लांट बनाते हैं। इसी तरह दोस्तों तोरोनिया एक फ्लावरिंग प्लांट है और ये हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा प्लांट होता है। इसमें भी कई कलर का होता है ये, और ये देखिए इस तरह से नए नए प्लांट इसे बनते रहते हैं, तो साइड से इसके प्लांट बन लेकर भी आप नया प्लांट इसका आसानी से बना सकते हैं। हमें अभी की ही तैयारी नहीं करनी है, आगे की तैयारी भी देखनी होती है, तो अपने जरबेरा पर काम शुरू कर दीजिए। जरबेरा के जो प्लांट होंगे दोस्तों बारिश में वो अच्छे पड़ते हैं, तो जरबेरा के प्लांट में देखिए कितने बन गए हैं। इनको हम अगर निकालेंगे तो इसमें से एक प्लांट से हम कई प्लांट इस समय बना सकते हैं। तो जरबेरा को डिवाइड करेंगे तो आपके मरेंगे नहीं, उनमें अच्छी तरह से जल्दी ग्रोथ पर पकड़ लेते हैं। दोस्तों पेंटास देखिए, इसकी कटिंग तो लगती ही है, पर ये इतने डिवाइड होते हैं, खूब सारे प्लांट बन जाते हैं साइड से। तो देखिए इस तरीके से मैं इनको नया प्लांट पर, ये थोड़े से आपको सावधानी बरतनी पड़ती है, खूब गहरा इसमें निकालिए और साइड से, मैं तो इसी में प्लांट में लगे लगे से ही कुदाल से जो अपनी खुरपी होती है उससे साइड से प्लांट निकाल के नया प्लांट बना लेती हूँ। कैलेडियम के नए प्लांट बनाने के लिए अच्छा समय होता है दोस्तों, अगर आपके पुराने कैलेडियम के प्लांट मेरे तो नए वाले हैं ये देखिए, तो इनसे हम जो हैं बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं, इनसे निकाल के आप नए प्लांट आसानी से बना सकते हैं। इससे आपका मदर प्लांट भी डिस्टर्ब नहीं होता है और आपके पास एक नया प्लांट बन जाता है। दोस्तों सिंगोनियम की वैरायटी को बढ़ाने का बहुत समय होता है, सिंगोनियम बहुत सारी वैरायटी होती है, तो देखिए इनमें कई प्लांट बनते हैं। इन समय आप निकाल के इनको पानी में लगाएं, चाहे कुछ समय तक जो बाद जो है इनको सॉइल में नया एक पॉटिंग दें, बहुत अच्छे चलते हैं ये प्लांट।
इसी तरह दोस्तों ड्रेसिना में बहुत सारी वैरायटी होती हैं, ड्रेसिना भी खूब बढ़ते हैं, तो साइड से इनमें निकाल कर आप इनके नए प्लांट बना सकते हैं। इसी तरीके से मैंने तो इसके बहुत सारे प्लांट बनाए। ड्रेसिना में बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी होती है दोस्तों। फूलों वाले पौधे तो कुछ समय में खिलते हैं चले जाते हैं, पर ऐसे पौधे जो होते हैं हमेशा हमारा साथ देते हैं। कभी मैं इसकी छोटी सी ब्रांच लाई थी, तब से मैंने इसके बहुत सारे प्लांट बना दिए हैं दोस्तों। कैलेथिया प्लांट भी जो होते हैं इस समय ये डिवाइड होते हैं, देखिए इनको भी जो कुछ जो खत्म हो गए उनको हटाइए और इससे निकाल के एक नया प्लांट को पॉट देते हैं। कई बार क्या होता है हमारे पुराने पॉट में प्लांट इतने अच्छे नहीं चलते क्योंकि उनमें उसकी सॉइल उनको पसंद नहीं आ रही होती है। नए प्लांट नए सॉइल में लगाते हैं तो ज़्यादा जल्दी चल जाते हैं। ये भी जो दिखा रही हूँ कैलेथिया की ही वैरायटी है, इसमें भी देखिए ये कई प्लांट बन चुके हैं, तो इनको निकाल के एक नया पॉट देंगे तो नया प्लांट बन जाता है। इसी तरह काम आप पीलिया प्लांट में भी कर सकते हैं। मेरा गर्मी में ये प्लांट मर गया था, इसमें नई ग्रोथ हो गई है, तो इसको निकाल के हम नया पॉटिंग उसे देके नया प्लांट में लगा देंगे तो बहुत सारे इसमें प्लांट बन चुके हैं मेरे फिर से। ये काम आपने सेंसिविलिया प्लांट में कर सकते हैं। इसमें देखिए छोटे से पॉट में एक ये है, इसके बाद एक दो और तीन। एक तो इसमें निकालना ऐसे ज़रूरी है कि मदर प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी, और दूसरा ये बहुत महंगी वैरायटी होती है दोस्तों, इनका कलेक्शन बहुत मुश्किल से होता है। और एक हमारे घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ घर की हवा को शुद्ध करने के लिए ये प्लांट बहुत ज़रूरी है। तो इस प्लांट की आप नए नए प्लांट इस समय बनाइए, साइड से निकाल के बहुत अच्छे तरह चलते हैं। कई लोग इसके लीफ से लगने का बात करते हैं, पर लीफ लगने के बाद आपको ये कलर ये कॉम्बिनेशन और ये खूबसूरती नहीं मिलती है। उसमें देसी वैरायटी का जो है सेंसिवेरिया निकलेगा इसको लगाने के बाद अगर आप इसकी लीफ से लगाएंगे। पर साइड से अगर आप प्लांट निकाल के जैसे ये वाली वैरायटी देखिए, ये वाली वैरायटी में भी ये प्लांट बन चुकी है। ये तो इसमें तो एक ही मैंने एक निकाल चुकी हूँ इसका प्लांट। अब बात करते हैं कुछ बहुत महंगे प्लांट जो होते हैं दोस्तों, इसमें ये हवर्थिया आते हैं। तो हवर्थिया में भी मैं निकाल के देखिए ये छोटे से पॉट में लगा दिया है। कुछ चल जाते हैं, कुछ कभी मर भी जाते हैं, तो एक्सपीरियंस होता है। इसमें तीन पौधे तैयार हो चुके हैं, इसमें से भी एक पौधा निकाल दूंगी मैं। ये काम अपने आप बहुत सारे सैकुलेंट में कर सकते हैं, जो भी कोई सैकुलेंट आपके बचे हुए हैं। मेरे तो काफ़ी सैकुलेंट इस साल बहुत नुकसान हुआ है, पर जो सैकुलेंट बचे हुए हैं उनसे बारिश का पानी मैं नहीं देना है उनको, पर सीजन में नमी होने के कारण ये बहुत अच्छे से चल जाते हैं। तो साइड से प्लांट निकाल कर आप नया प्लांट इसमें आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। इसको फायर क्रैकर या रसीलिया कहते हैं और फाउंटेन ग्रास भी कहते हैं। ये दो से तीन कलर मैंने इसके देखे हैं। इसमें रेड बहुत कॉमन होता है जो बहुत सुंदर भी लगता है। इसके अलावा पर आपको रानी कलर मिलेगा, वाइट कलर मिलेगा। तो ये इतना देखिए जंगली घास की तरह फैलता है, तो इसको निकाल कर अगर आप कोई पॉट में किसी प्लांट में रिप्लेस करते हैं तो ये और अच्छे चलते हैं। और बहुत सुंदर ऐसा प्लांट है परमानेंट। मेरे पास ये बहुत पुराना, बहुत जब मैंने गार्डनिंग की शुरुआत करी तब इस पौधे को मैं लाई थी और हमेशा तब से चल रहा है, बहुत सुंदर लगता है। ये फर्नी की बहुत वैरायटी आती है दोस्तों, उसी में से आपको मैं एक दिखा रही हूँ। इसे बूस्टन फर्नी की वैरायटी कहते हैं। देखिए ये भी खूब, इसको भी आप जो है निकाल के दूसरे नए प्लांट बना सकते हैं। एक प्लांट से कई प्लांट इस समय आसानी से बन जाते हैं। सीडम ग्रास से आप जो है इस समय बहुत सारे नए प्लांट बन सकते हैं। देखिए कितनी रूट है ये, तो इनको जो है नए प्लांट बनाएंगे उनमें अच्छी ताकत होगी, अच्छी रौनक होगी, अच्छी खूबसूरत दिखाई देते हैं। पेंडानस के नए प्लांट बनाना मत भूलिए। पेंडानस से जो है देखिए मैं भी इसके आज ही बनाने वाली हूँ, सोच रही हूँ शाम को जब समय मिलेगा तो। ये ऐसा प्लांट लगता है स्पाइडर जैसा है, पर ये बहुत सुंदर है और एक परमानेंट प्लांट होता है। इसी तरह दोस्तों रिबन ग्रास जैसे स्पाइडर जैसा होता है, देखिए कितने सारे प्लांट बन चुके हैं। एक मदर प्लांट से निकाल के इस समय इसके नए प्लांट भी आप बना सकते हैं। ये डेविल्स बैकबोन की वैरायटी है और ये देखिए इतने बढ़ चुके होते हैं, एक से डिवाइड करके आप अनेक प्लांट इस समय बना सकते हैं। ये हैंगिंग में लगाने के लिए बहुत सुंदर प्लांट होता है दोस्तों। कुछ यूनिक वैरायटी दिखाते हैं आपको, इसे हेलिकोर्निया रोस्ट्रेटा कहते हैं। इसमें मार्च से फ्लावरिंग शुरू होती है, तो एक ऐसा प्लांट है एक बार लगा दिया होगा तो आपने आपके गार्डन से कहीं नहीं जाएगा। देखिए कितने सुंदर इसका ये खिला होता है इस तरीके से, तो ये बहुत सुंदर लगता है। ये बहुत ज़्यादा डिवाइड होते हैं जिसके पास भी लगे होंगे पॉट में, तो इसको आपको हर साल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। पर ज़मीन में अगर कहीं छोटी सी जगह में आप लगा देंगे तो हर साल खुद ब खुद इसमें ऐसा सुंदर फूल तैयार हो जाता है। तो इनके जो है बहुत सारे बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, तो इससे भी आप नया प्लांट इस समय कहीं देखा है तो ला सकते हैं। इस समय ये देखिए कैना लिली है, खूब डिवाइड होते हैं, तो कैना लिली को भी जो है उखाड़ उखाड़ के फेंकना पड़ता है, इतने बनते हैं इस समय। तो इनको भी आप नया प्लांट इनके कहीं जो वैरायटी आपको पसंद है इस समय कहीं से मांग के लगा सकते हैं। इस समय ढेरों फूल भी देंगे और बहुत सुंदर लगते हैं, हार्डी होते हैं। तो ये है हमारा मैक्सिकन पिटोनिया, तो मैक्सिकन पिटोनिया खूब इसके भी डिवाइड होते हैं। तो मदर प्लांट को हल्का करने के लिए, खूबसूरती उसकी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है ये काम। मेरे तो एक ही पॉट में जो है देखिए कितने खिल रहे हैं, तो इनको जो है साइड से आप इस समय नए प्लांट बन जाते हैं इसके भी, इनको तोड़ के लगाइए तो वैसे भी लग जाता है बहुत आसानी से।
दोस्तों ये देखिए, ये एक सजावटी पौधा है, ये भी देखिए इस तरीके से बहुत सारे प्लांट बनते हैं मेरे जो ये, और ऐसा है इसके नीचे बल्ब होते हैं, जैसे ही सीजन ख़त्म होता है, सर्दियाँ बहुत बढ़ती हैं, शांत हो जाते हैं, ये डोरमेंसी बन जाते हैं, तो ऊपर से हटा के इस प्लांट को इस पर पॉट में भी अगर आप इसके बल्ब छोड़ देंगे तो नेक्स्ट सीजन में आपको इतने खूबसूरत लीफ वाले, ऐसे लीफ वाले प्लांट जो होते हैं गार्डन की बहुत शोभा बढ़ाते हैं। तो इसको फिर आपके पास जो है फरवरी मार्च में नए पौधे इसके तैयार हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, एक पॉट में कितने पौधे तैयार हो गए हैं, और जो ये प्लांट होता है हमारा एलोवेरा, ये एक पॉट में एक ही प्लांट जो छोटे पॉट है तो उनमें एक ही प्लांट से निकलता है, तो इनको डिवाइड करना जरूरी होता है। देखिए चार से पांच प्लांट तैयार है, इनमें से निकाल के मैं नए नए प्लांट इनको नई नई जगह पर रिप्लेस करूंगी। इसी तरह अगेव होता है, ये भी बहुत ज़्यादा जो प्लांट देता है, मैं ज़्यादा प्लांट पसंद नहीं करती हूँ इसलिए एक ही प्लांट रखा है, पर ये इतना डिवाइड होता है जिसके पास नहीं होने चाहिए तो ये प्लांट इस समय कहीं भी आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे पौधों के नाम बताए जिनको आप इस समय डिवाइड करके साइड से निकाल के नए प्लांट बना सकते हैं। कटिंग से तो लगाते ही हैं, इस समय साइड से डिवाइड करना बहुत अच्छा काम होता है और आसानी से नए पौधे बन जाएं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।